हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो है कि हम लोग प्लाई को गोल कैसे काटें वुड कटर मशीन की मदद से। इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने 8mm की प्लाई यूज करी थी। उसके बाद मुझे कमेंट्स आए, क्या हम 19mm की प्लाई को गोल काट सकते हैं? तो उसका जवाब है हाँ। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि 19mm की प्लाई को गोल कैसे काटते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि यहां पर मैंने 21mm की प्लाई ली है। अभी 21mm की प्लाई कैसे है, देखिए 19mm की तो ये प्लाई है, फिर यहां पर 1mm का माइका लगा है व्हाइट वाला, और यहां पर 1mm का ये वाला माइका लगा है। तो टोटल अब ये 21mm मोटी प्लाई है जिसको मैंने गोल काटा है, और इसको गोल काटना बहुत ही आसान है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। प्लाई को राउंड काटने से पहले जरा हम इसका सेंटर ले लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि 19.5 इंच मेरी प्लाई है, तो जरा मैं इसका आधा ले लेता हूँ, ये हो जाएगा 10.25 इंच। तो यहाँ पर मैंने एक निशान लगा लिया 10.25 इंच पर, और फिर हम यहाँ से देख लेते हैं, ये है 18.5 इंच, तो इसका आधा हो गया 9.25 इंच। इस पर मैंने लगा लिया यहाँ पे निशान, और ये यहाँ पे मेरे को मिल गया इसका सेंटर। यहाँ पर मैंने एक प्लाई का टुकड़ा लेके रखा है, ये जो टुकड़ा है ये आप देख सकते हैं ये भी 19mm का ही है, और ये कुछ 13 इंच बड़ा है। बड़े से हमको मतलब कुछ नहीं है, आप कितना भी बड़ा ले सकते हैं, मतलब इससे कि आपका गोलाई कितना काटना है। मेरे को जो टोटल गोलाई है वो काटना है 14 इंच का, इसलिए मैं जो ये पट्टा है इसका आधा लूंगा 7 इंच। तो ये मैंने यहाँ पे लिया 7 इंच, ये देखिए ये जो है ये 7 इंच है, ये है मेरा 7 इंच का सेंटर। यहाँ से लेके यहाँ तक जब मैं 7 इंच नापूंगा तब जाके मेरा 14 इंच गोल आकार का प्लाई कटेगा। तो ये जो हमारा प्लाई का टुकड़ा था इसको हम यहाँ पर फिक्स कर देंगे। तो हमने अपने प्लाई के टुकड़े को इस पर फिक्स कर दिया है। अब आप देख सकते हैं कि ऐसे रोटेट कर रहा है पूरा, और अब हमारा जो ये प्लाई है राउंड कटेगा। चलिए अब हम काटते हैं इसको राउंड शेप में। तो अब हम काटते हैं अपनी प्लाई को राउंड। अब हमें प्लाई कैसे काटना है, ये हमने ऊपर टुकड़ा फिट किया था प्लाई का, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको ऐसे रख के चलाएंगे, फिर इसको हल्का सा घुमाएंगे, फिर चलाएंगे, ठीक है, फिर हल्का सा घुमा के चलाते जाएंगे। ऐसे करते करते हम 360 डिग्री में काटेंगे। कैसे काम करेगा ये मैं आपको बताता हूँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं जरा आपको थोड़ा नीचे का पोर्शन दिखाता हूँ, ये देखिए ऐसे आपके टुकड़े कटते जाएंगे जब आप गोल काटेंगे तो, ठीक है। चलिए अब हम फिर काटना स्टार्ट करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि सिर्फ मैं प्लाई को घुमाते जा रहा हूँ और इसको गोल काटते जा रहा हूँ, हमारा हाफ गोल कट गया है। जितना आराम से काम करेंगे उतने अच्छे से होगा। तो मैं ज़रा आपको वापस से नीचे दिखाता हूँ, ये देखिए ये हमने करी है कटिंग, और ये जो हमारी प्लाई है ये अभी थोड़ी गोल हो चुकी है। मैं आपको ज़रा थोड़ा पास से दिखाता हूँ, अभी इसमें थोड़ा काम और बचा है। ये देखिए कहने को तो ये गोल कट चुकी है, बट हमें इसकी थोड़ी और फिनिशिंग करनी है। तो ज़रा मैं इसको थोड़ा सा भी और काटूँगा, फिर ये पूरी तरीके से हमारी गोल कट जाएगी। तो ये जो तरीका है सबसे आसान और सबसे जल्दी प्लाई को राउंड काटने का तरीका है। इसमें आप 6mm से लेके 19mm तक की प्लाई को बहुत आराम से गोल काट सकते हैं। चलिए तो अब हम करते हैं फाइनल इसकी फिनिशिंग।
तो फाइनली यहाँ पर हमारी प्लाई पूरी गोल कट चुकी है। आप देखिए बहुत अच्छी फिनिशिंग आई है। इस पर मैंने अभी तक कोई सैंड पेपर अप्लाई नहीं किया है। अगर मैं अप्लाई करूँगा या इसके अच्छे से घिसाई करूँगा तो ये आपको हल्के से भाग दिख रहे हैं, ये भी चले जाएंगे। ये जो पटिया है ये निकाल के भी जरा मैं आपको बताता हूँ। तो अब आप ये देख सकते हैं कितना खूबसूरती से हमारा ये राउंड शेप कटा है। और इस तरह से काटने में सबसे बड़ी बात यह है कि आप छोटे शेप का भी प्लाई आराम से काट सकते हैं। तो देखा फ्रेंड्स आपने, हमने कितनी आसानी से अपनी प्लाई को गोल काटा है, और यह है पूरी 21 mm मोटी प्लाई। सबसे बड़ी बात, मैंने अभी तक इसमें घिसाई करी नहीं है, फिनिशिंग दी नहीं है, मगर आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी ये फिनिश टाइप की लग रही है। ऐसा गोल काटने की जरूरत आपको तब पड़ेगी जब आप जिग्सॉ मशीन या तो भूल चुके हो या फिर वो खराब हो गई हो, मगर आपको अर्जेंटली कुछ काम करना है, तब आप कटर मशीन से इस फिनिशिंग के साथ अपनी प्लाई को गोल काट सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए, बगल में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक आ सके। और हाँ, यदि आपको मशीन या फिर टूल से जुड़ी कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे मेल या फिर कमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी तक के लिए इतना ही। स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग, एंड यस कीप कटिंग।